बड़े मूड में थे, आपके कजिन आए थे, बोरी साहब हमारे साथ खड़े हो, भाई बांट रहे, भाई बांट रहे, भाई बांट रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम बांट रहे हैं? नहीं, ये पाँचवीं बार। जे डी सी की जाने से रोज़गार स्कीम में मोटरसाइकिल तकसीमों का सिलसिला जारी है। आज भी बेतहाशा अफराद को बाइकें दी जा रही हैं, खुश नसीबों को। हमारे मेहमान खसूसी आज के चेयरमैन जे डी सी शेख मोहम्मद हसन साहब, क्या बोलेंगे क़िबला, ये जो आज खुश नसीबों को मोटरसाइकिलें दी जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं परवरदिगार का शुक्र अदा करूँगा, उसने हमें यह मौका दिया कि इंसानी खिदमत करने के लिए, और यहीं सिलसिला जारी भी रहेगा। और ये आज आप देख रहे हैं, देखेंगे थोड़ी देर बाद, यहाँ जितने भी जॉब लेस अफराद हैं जिनके बाइक ना होने की वजह से रोज़गार का मसला हो रहा था, उनके लिए बाइकों का इंतज़ाम किया है। और मुखैर हजरात से दस बस तक गुजारिश करूँगा कि इस कार खैर में हमारे साथ दे दें ताकि आवाम उन्नास की खिदमत की जा सके। बहुत शुक्रिया। हमारे एक और मेहमान खुसूसी आज के हमारे ओल्ड एज होम के बुज़ुर्ग तैमूरी साहब, प्रोफेसर हैं, साबिक सऊदी अरब में पढ़ाते थे और हमारे ओल्ड एज होम में रहते भी हैं और वहाँ के इंतजाम भी संभालते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूरी साहब, कैसा लग रहा है आप आज के मेहमान खुसूसी हैं यहाँ पर, चेयरमैन साहब के साथ खड़े हैं आप? मैंने सुना, ये देखा था फेसबुक पर, लेकिन मैं चाह रहा था कि अपनी आंखों से देखो, तो खुदा ने मुझे मौका दिया है। और वाकई ये आप जो लोगों के लिए घरों में चूल्हे जलेंगे, कितनी दुआएं आपको मिलेंगी, आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। नहीं, आपके हाथों से जा रही हैं सारी बाइकें, हासिलों के शरफ फसाद से नजर से बचाया। चले, उन लोगों को दुआ देंगे क़िबला जिन्होंने ये इसमें सपोर्ट किया है, हमें जिन्होंने मोटरसाइकिलें दी हैं। मुखैर हजरात से दस बस्ता अपील करूँगा, प्लीज़ फॉर गॉड सेक, इस कार्य खैर में आप अपनी आंखें संवारेंगे। इन लोग आपको ये अभी और फिर रमजान के लिए अभी से तैयारी शुरू हो गए। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं, जिन साहब ने लास्ट वीक मोटरसाइकिलें डिस्ट्रीब्यूट की थी खड़े होकर, अमजद अली खान साहब, तो उन्होंने जेडीसी ओल्ड एज होम के लिए प्लॉट देने का भी वादा किया है कि अच्छी जगह आबादी में प्लॉट लें, फौरन एक और ओल्ड एज होम बनाए, क्योंकि आपका ओल्ड एज होम तो भर गया है, अब तो जगह नहीं ना वहाँ पे किसी की। तो मैं बता दूँ, तैमूरी साहब हमारे ओल्ड एज होम के सीनियर बुजुर्गों में से हैं पुराने, और मैं आपको दिखा दूँ ये बाइकें तैयार हैं जो अभी देनी है, बाकी जो सिलसिला जारी है वो बाइकें इधर मस्जिद खड़ी हुई हैं सारी, ये बाइकें भी हैं सारी, अंबार लगा हुआ है इधर बाइकों का, ये सिलसिला जारी है, रोजाना की बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। जिन लोगों की बाइकें आज दी जाएंगी वो सारे खुश नसीब आए हुए और अंदर भी बैठे हुए हैं। हाँ, ये ले जो कमी है मुझे इसमें बता दें। लाओ भाई, अंदर से बोलो सज्जाद से, बोलो ले दो जल्दी से। अच्छा, लाओ दोनों लिस्ट लाओ, साथ में आएगा अंदर बैठे। तैयार नहीं, जे डी सी रोजगार स्कीम में मजीद लोगों को बाइक दी जा रही है, मेरी उन सबसे गुजारिश है जो कि वीडियो देखने लाज़ा ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मजीद लोगों तक पहुँच सके। भाई हेल्प करवा दो।
बाइक तकसीम का सिलसिला जारी है। मोहम्मद उमेर, मोहम्मद उमेर, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जिन लोगों ने हमें रोजगार स्कीम में सपोर्ट किया उन लोगों को ये बाइक के ताहिल दिए जा रहे हैं। और हमारे आज के मेहमान तैमूरी साहब हैं, हमारे ओल्ड एज होम के बुजुर्ग हैं आप, और वहीं रहते भी हैं और सारे मोहम्मद उमेर मोहम्मद साद खान सर कोड नंबर 6 है, मोहम्मद अखर रफीक कोड नंबर 6 नदीम भाई। कोट नंबर 7 साजिद हुसैन, कोट नंबर 9 जारी है। हमारे पास सारे कवायद हैं, इनके नाम, पता, इनका एड्रेस, हर चीज़ इनकी मौजूद है हमारे पास, और हम उस पर इनको दो इनके गवाहान हैं, उनकी वेरिफिकेशन के बाद उनको मोटरसाइकिलें दे रहे हैं, और ताकि इनके काम आ सके इन गरीबों के ज़रूरतमंदों के। ये तहाइफ है इनके लिए हमारी तरफ से, और ये रोज़गार में अम्मा अंदर आ जाइए चले अंदर। हाँ रखे में लेकर पकड़े जी खुर्रम भाई, मोहम्मद उमेर बस मोहम्मद नहीं पूरे हो गए।
मोहम्मद उमेर और मोहम्मद नईम नदीम बल जहीर अच्छा देखिए यहाँ पर ये बाइकों की डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला जारी है, इंशाल्लाह कल परसों भी सिलसिला जारी रहेगा और हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को रोजगार स्कीम के तहत मोटरसाइकिलें मुफ्त उनके नाम पे ट्रांसफर करके दें ताकि वो आगे अपने पाँव पे खड़े हो सकें। और ये सिलसिला हमारी कोशिश है कि जिस हद तक भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मुखैर आजाद हमारे तआवुन कर रहे हैं, तारीफ की तकसीम का सिलसिला हमारी तरफ से जारी है। मोहम्मद उमेर वल मोहम्मद नईम अगर है तो आ जाए भाई, बहुत शुक्रिया। दिखा दो लोगों को किस तरह दी जा रही है। अगर रिसीविंग कीजिए जो फाइल का मतलब अस्सलाम वालेकुम इसी भाई बताएगा थोड़ा। जी आप देख रहे होंगे हमारे पास जो एप्लीकेशन जनवरी से शुरू हुई थी जो हमने बेरोजगारों के लिए मुहिम स्टार्ट की थी कि आप जॉब ऑफर लेटर के साथ अपनी एप्लीकेशन यहाँ जमा कराएं, इंशाल्लाह हमारी जानब से बाइक मुहैया की जाएगी और वो बेरोजगार अफराद जो खुदकुशी की जानब गामजन हो रहे थे बहुत अच्छा एग्जाम था जी डी फाउंडेशन का। आप लोगों से गुजारिश है कि एक बाइक 15-20 हज़ार की अगर आप मुखिर हजरात हैं तो हमें डोनेट करें ताकि हम उन लोगों तक पहुंचा सकें जो बेरोज़गार हैं और उनके पास जॉब है और वसाइल नहीं है। तो जीडीसी अजम के साथ इस पे काम कर रही है कि कराची में वो आवाज़ उठाई जाए कि बेरोज़गारी ख़त्म की जाए और हर घर में चूल्हा जले हमारी जगह। थैंक यू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम इस वक्त मौजूद हैं हाउस ऑफ जीडीसी के बाहर और जीडीसी रोज़गार स्कीम के तहत लोगों को मज़ीद बाइकें दी जा रही हैं। जो जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज मज़ीद लोगों तक पहुँच सके और वो जीडीसी के इस खारे खैर में हिस्सा लें। आ जाओ जीडीसी रोज़गार स्कीम के तहत मज़ीद बेरोज़गार लोगों को जीडीसी की जानिब से बाइक दे दी गई है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे उन तमाम लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज मज़ीद लोगों तक पहुंच सके और वो जीडीसी का ताबुन करें। तमाम लोग इस गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके और वो जीडीसी के इस कार्य घर में हिस्सा ले सकें।
जफर भाई का मोबाइल नंबर है 0334344313। जफर भाई का मोबाइल नंबर है 0334344313। ऑफिस का मोबाइल नंबर है 0213634105। जे डी सी को मुकैया हजरात की तावन की ज़रूरत है। जे डी सी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तावन करें ताकि जे डी सी मज़ीद लोगों की मदद कर सके। राजू भाई मौजूद है। राजू भाई बताएगा जे डी सी रोजगार स्कीम के हवाले से थोड़ा लोगों को। माशाल्लाह बहुत अच्छा है ऐसा इंतजाम है। ये काफ़ी नौजवान जो है इससे बहुत खुश हैं क्योंकि उनको रोज़गार का जो है मैसर हो सके और इंशाल्लाह अपने खानदान की किफ़ायत कर सकेंगे और अल्लाह ताला परवरदिगार को दिन रात जो अपनी जो है ना तरक्की दा फरमाए इसी तरह से लोगों को जो है रोज़गार फराम कर। बहुत शुक्रिया।
राशिद हुसैन वल आशिक हुसैन, राशिद हुसैन वल आशिक हुसैन। भाई ये एप्लीकेशन जमा करवाना है जी, दे दे भाईजान, भाईजान ही वापसी जो कराए ये बाइक के सीन माने भाई, क्या कर रहा है अंदर, 200 अंदर वो ले नहीं रहे थे, बताएंगे तो बताएंगे जब आ जाएंगे। हां देखिए इस वक्त बाइकों की तकसीम में सिलसिला जारी है और कोशिश यही की जा रही है जो लोगों ने यहाँ अप्लीकेशन दी हैं और जिस हद तक भी मुमकिन हो उनको मोटरसाइकिलें दी जाएँ ताकि उनके रोज़गार के हवाले से हमारी तरफ से कुछ भी सपोर्ट का सिलसिला चल सके। बहुत शुक्रिया जफर भाई।